तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है इसके चैप्टर नंबर 12 रानी को पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ ले ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करने में समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है या विधा है, विद्या नहीं विधा है। तो रानी रेखाचित्र साहित्यिक विधा है। नेक्स्ट है लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं। तो महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोजी अर्थात कुतिया और निक्की अर्थात नेवला के चरित्र लिए हैं। थर्ड है लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी। तो लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है वैसा अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है, कि उनके पास वह छोटा घोड़ा है और हमारे पास ये नहीं है, तो ये अन्याय है, गलत है, ऐसा उन्होंने स्मृति पत्र में लिखा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट है रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए। तो धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी, वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और आयाल में फूल खोसने लगे। आयाल का अर्थ होता है गर्दन के नीचे की जगह में जो दाढ़ी होती है वो। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। तो इस तरीके से रानी के साथ जो बच्चों की मित्रता है वो बढ़ने लगी और उन्होंने इस तरीके का प्रयास किया कि धीरे धीरे रानी से बच्चों की जो नाराज़गी है वो दूर होने लगी, वे उसके गर्दन में झूलने लगते, उसके कानों और आयाल में फूल खोसने लगते, वे उसे बिस्किट मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें खिलाने लगे। नेक्स्ट है रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों। तो एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी, उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी यानी सोटी रानी के पैर पर मार दी। संटी यानी छड़ी होता है, इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। अब यहाँ क्या हुआ था बचपन में कि महादेवी वर्मा जी घोड़ी के ऊपर बैठी हुई थी और अचानक से उनके भाई ने एक छड़ी रानी के पैरों अर्थात घोड़ी के पैरों पर मार दी, जिसके कारण रानी बहुत तेज़ी से भागने लगी और तेज़ी से भागने के कारण महादेवी वर्मा जी उसके ऊपर बैठी थी और वो खुद को नहीं संभाल सकी और नीचे गिर गई। इसीलिए इस कारण से संटी लगने से छड़ी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वो तेज़ी से भागने लगी। नेक्स्ट है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। ज्ञान में वृद्धि करने वाला ज्ञानवर्धक, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी जिसे कहते हैं घुड़सवारी। नेक्स्ट है विरोधार्थी शब्द दीजिए। अपराधी का निरपराधी, प्रसन्नता का अप्रसन्नता, दंड का पुरस्कार। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।